हेलो, वेलकम टू सिंप्लीफाइड साइंस एंड मैं हूँ दिव्या। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फैमिली लिलिएसी के वेजिटेटिव और फ्लोरल कैरेक्टर्स और उसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी। तो चलो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या देखेंगे हम वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में। तो हम अगर वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को देखते हैं तो उसमें बात करते हैं क्या हैबिट्स हैं फैमिली मेम्बर्स की, उसके बाद उनके रूट, स्टेम और लीव्स की जनरली क्या क्या फैमिलीज़ में पाए जाते हैं। अगर फ्लोरल कैरेक्टर्स में देखें तो सबसे पहले बात करेंगे इनफ्लोरेसेंस की, उसके बाद फ्लावर, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम जो कि फ्लावर के एक्सेसरी और रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड्स हैं, फिर उसके बाद फ्रूट और सीड्स, फ्लोरल फार्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम, और फिर क्या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है इस फैमिली की हमारे लिए। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में हम देखते हैं कि इस फैमिली के मेंबर्स क्या इम्पोर्टेंस रखते हैं ह्यूमंस की लाइफ में। तो यहाँ पर हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की। तो लिलिएसी फैमिली में वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में सबसे पहले हम बात करते हैं क्या हैबिट है इन फैमिली के मेंबर्स की। तो ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं लिलिएसी में वो पेरिनियल होते हैं। पेरिनियल मतलब कई साल तक चलने वाले प्लांट्स होते हैं। हर्ब, श्रब और क्लाइंबर हमें ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। तो नेक्स्ट कैरेक्टर है रूट। अब लिलिएसी में रूट में हम कई मॉडिफिकेशंस देखते हैं, जैसे हम राइजोम देखते हैं पॉलीगोनेटम में। ये पॉलीगोनेटम क्या है, ये एक मेडिसिनल प्लांट है जिसके राइजोम से हमें एंटी कैंसरस ड्रग मिलती है। उसके बाद बल्ब हम देखते हैं लिलियम में, लिली जिसे हम बोलते हैं कॉमनली, और एलियम में, एलियम होता है अनियन या प्याज। उसके बाद कॉल्चिकम के कॉम से भी हमें मेडिसिन मिलती है जो कि गाउट वगैरह में या जॉइंट पेन में मोस्टली यूज़ होती है। उसके बाद स्टेम में हम देखते हैं कि इसका स्टेम एरियल होता है, मतलब फैमिली के मेंबर्स में ज़्यादातर स्टेम एरियल होते हैं, इरेक्ट होते हैं। कुछ में हमें क्लैडोट, जैसे एस्पेरेगस में हमें क्लैडोट देखने को मिलता है, ये भी एक स्टेम मॉडिफिकेशन है। नेक्स्ट हम अंडरग्राउंड स्टेम भी इसमें देखते हैं कुछ मेंबर्स में। फिर लीव्स आती हैं जिसमें लीव्स होती हैं बेसल, अल्टरनेट फ्लैशी दिखती हैं, किसमें, एलोवेरा में आपको फ्लैशी लीव दिखती हैं। कुछ लीव्स मॉडिफाई हो जाती हैं स्पाइन में, जैसे कि एस्पेरेगस। उसके बाद एक्स स्टिपुलेट होती हैं, मतलब स्टिप्यूल नहीं होता है। पैरेलल और रेटिकुलेट दोनों तरह के वेनेशन मिलते हैं, किसी में पैरेलल मिलेगा, कहीं कहीं किसी एग्जाम्पल में रेटिकुलेट वेनेशन मिलता है। ससाइल होती है, मतलब इसमें पीटियोल नहीं होता है। और हम शीदिंग लीव बेस भी यहाँ पर लीव्स में देखते हैं। ये हो गए वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, जिसमें कुछ प्लांट्स के नाम आप याद रख के इन कैरेक्टर्स को लिख सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्लोरल कैरेक्टर्स की, जिसमें सबसे पहले इनफ्लोरेसेंस आता है। तो इनफ्लोरेसेंस में लिलियम में, या जिसे हम लिली भी कहते हैं, हम देखते हैं सॉलिटरी टर्मिनल फ्लावर। तो सॉलिटरी टर्मिनल फ्लावर कैसा होता है कि आपको प्लांट के स्टेम पे सबसे ऊपर एक फ्लावर इस तरह से देखने को मिलता है। तो इस सॉलिटरी टर्मिनल फ्लावर को हम लिली में देखते हैं। दूसरा, सॉलिटरी एक्सिलरी हमें मिलते हैं ग्लोरियोसा में, जिसे हम फ्लेम लिली भी कहते हैं। तो लिली में हमें देखने को मिलता है सॉलिटरी टर्मिनल, और फ्लेम लिली में हमें देखने को मिलता है सॉलिटरी एक्सिलरी। अनियन आता है इसी फैमिली में, और इसमें हम अम्बल इनफ्लोरेसेंस देखते हैं। फ्लावर ज़्यादातर ब्रैक्टियट होते हैं, मतलब ब्रैक्ट प्रेजेंट होता है। तो जब ब्रैक्ट प्रेजेंट होता है तो उन फ्लावर को हम बोलते हैं ब्रैक्टियट, और अगर ब्रैक्ट प्रेजेंट नहीं होता है, मतलब एब्सेंट होता है, तो वो फ्लावर कहलाते हैं ई ब्रैक्टियट। तो यहाँ पर इन फैमिली में ब्रैक्टियट फ्लावर होते हैं, मतलब ब्रैक्ट प्रेजेंट होता है। कुछ एग्जाम्पल्स में आपको ई ब्रैक्टियट भी फ्लावर्स मिलते हैं। नेक्स्ट है पेडिसिलेट, एक्टिनोमॉर्फिक, ये सिमेट्री है जिसमें आप फ्लावर को किसी भी प्लेन से काटो तो आपको दो इक्वल हाफ मिलते हैं। ट्राइमेरस होते हैं, मतलब सारे फ्लोरल वर्ल्स जो होते हैं वो थ्री के मल्टीपल में मिलेंगे। नेक्स्ट है परफेक्ट फ्लावर है। परफेक्ट का मतलब है कि फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों पार्ट हैं, या एंड्रोशियम और गाइनोशियम आपको दोनों देखने को मिलते हैं। हाइपोगाइनस है, मतलब ओवरी सुपीरियर होती है। और लिली में हम देखते हैं पेरियंथ, जिसमें हमें ना सेपल मिलते हैं ना पेटल मिलते हैं, एक अलग यूनिट होती है जिसे हम टेपल कहते हैं, और वो पेरियंथ कहलाता है पूरा वर्ल्ड। ये हो गई फ्लावर की बात। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्लावर के वर्ल्ड्स की, जिसमें हम देखेंगे सबसे पहले पेरियंथ। तो अभी हमने बात की कि हम इस फैमिली में पेरियंथ देखते हैं। तो पेरियंथ का क्या मतलब होता है कि जहाँ पर आपको सेपल और पेटल में कोई डिस्टिंक्टिवली डिफरेंस नहीं दिखता, तो उस फ्लोरल वर्ल्ड को हम फिर पेरियंथ बुलाने लगते हैं। और पेरियंथ की यूनिट क्या होती है, टेपल। तो यहाँ पर ये ट्राइमेरस फ्लावर्स होते हैं, इसीलिए टेपल यहाँ पर हमें मिलते हैं सिक्स, थ्री के मल्टीपल में।
और ये होते हैं अरेंज टू वर्ल्ड्स में। जैसा आप यहाँ पर देखो, ये एक लिली का फ्लावर है, तो यहाँ पर आपको जो ये अंदर वाले दिख रहे हैं ये रेड कलर के हैं, ये एक वर्ल्ड में सेट है, और उसके बाद बाहर वाले वर्ल्ड में आपको ये तीन येलो कलर के टेपल्स दिख रहे होंगे। तो दो वर्ल्ड्स में सेट होते हैं इसमें टेपल्स। अब फ्री और फ्यूज्ड कंडीशन हो सकती है, फ्री भी हो सकते हैं, फ्यूज्ड भी हो सकते हैं। पेटलॉइड है, पेटलॉइड का क्या मतलब है कि पेटल की तरह दिखते हैं। जहाँ भी ऑयड वर्ड आ जाता है उसका मतलब होता है लाइक, तो पेटल के लाइक है, मतलब पेटल की तरह दिखने वाले हैं। नेक्स्ट है वेलवेट एस्टिवेशन, तो एस्टिवेशन कौन सा होता है, वेलवेट एस्टिवेशन हमें पेरिएंथ में दिखाई देता है। नेक्स्ट है एंड्रोशियम, इसमें स्टेमन 6 होते हैं, अगेन ट्राइमेरस फ्लावर है तो स्टेमन भी 6 है। अरेंज इन टू वर्ल्ड्स मतलब 3+3 अगेन हमें दिखाई देगा, क्यों, क्योंकि ये epitapellus कंडीशन दिखाते हैं, मतलब कि ये टेपल्स से जुड़े होते हैं। epitapellus और epiphyllus का मतलब होता है कि टेपल से अटैच्ड होते हैं। तो अगेन यहाँ पर भी अगर हम स्टेमन की बात करें तो वो अंदर वाले जो स्टेमन होंगे वो अंदर वाले टेपल से अटैच होंगे और बाहर वाले टेपल से अटैच होंगे, तो इसीलिए स्टेमन भी दो वर्ल्ड्स में देखने को मिलते हैं। तो आप यहाँ पर देखो, ये जो वाइट कलर के आपको टेपल्स दिख रहे हैं ये इसमें आपको स्टेमन फ्यूज्ड दिख रहे होंगे, तो ये कंडीशन कहलाते हैं epitapellus, जिसमें टेपल्स और स्टेमन फ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट है गाइनोशियम, गाइनोशियम होता है इसका ट्राइकार्पलरी, जिसमें सिन कार्पस कंडीशन होती है। ट्राइकार्पलरी मतलब तीन कार्पल्स होते हैं और सिन कार्पस होते हैं, मतलब वो आपस में फ्यूज्ड होते हैं। तो यहाँ पर हमें सुपीरियर ट्राइलोक्युलर ओवरी देखने को मिलती है, जिसमें कि कई ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं ईच लोक्यूल में। तो आप यहाँ पर देखो कि हमें ट्राइलोक्युलर ओवरी देखने को मिल रही है, जिसमें बीच बीच में ये आपको जो दिख रहे हैं वाइट कलर के, ये इसके ओव्यूल्स हैं। इसी तरह हमें यहाँ प्रेजेंटेशन भी पता चल रहा है कि इसमें एक्साइल प्रेजेंटेशन होता है। नेक्स्ट है कि इसमें स्टाइल एक होती है, स्टिग्मा 3-लोब्ड होता है, और एक्साइल प्रेजेंटेशन जिसकी हमने अभी बात की। तो स्टिग्मा 3-लोब्ड, आप ये देखो तीन आपको लोब में स्टिग्मा इसका दिखता है। तो ये बात हो गई इसके एंड्रोशियम, गाइनोशियम और पेरिएंथ की, जो कि हमें सेपल और पेटल्स की जगह दिखाई देता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स जो इस फैमिली के मेम्बर्स हैं, और क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट इन्हीं सब एग्जाम्पल्स में से जनरली आते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है इसका लिली, जिसके नाम पर ही लिलिएसी फैमिली बोली जाती। नेक्स्ट है ये ग्लोरियोसा सुपरबा, जिसे हम फ्लेम लिली भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम लीव्स में एक मॉडिफिकेशन देखते हैं ग्लोरियोसा सुपरबा में, जिसमें लीव का एपेक्स जो होता है वो पीटियोल में चेंज हो जाता है। तो ये एक एग्जाम्पल है लिलिएसी फैमिली का। उसके अलावा जो दो मेडिसिनल प्लांट होते हैं उसमें एलोवेरा और एस्पेरेगस भी होता है, जिससे हमें मेडिसिंस मिलती हैं। और जो वेजिटेबल होती है उसमें हम ये अनियन भी देखते हैं। तो ये हो गए कुछ एग्जाम्पल्स जो आपको साइंटिफिक नेम के साथ याद रखने हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम की, और इसके फ्रूट की। तो फ्रूट जो लिलिएसी में मिलते हैं ज़्यादातर कैप्सूल और बेरी देखने को मिलते हैं, जो हमने पढ़े थे। अब बात करते हैं फ्लोरल फॉर्मूला की। तो हमने देखे थे ब्रैक्टिएट फ्लावर होते हैं इसमें, एक्टिनोमॉर्फिक हमें सिमेट्री देखने को मिलती है, फ्लावर है बाइसेक्शन मतलब दोनों एंड्रोशियम और गाइनोशियम प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आपको सेपल और कोरोला नहीं दिखाने हैं, क्योंकि हमने बात की थी कि यहाँ पर पेरिएंथ होता है, तो हम उसका पी लिख लेंगे। दो वर्ल्ड्स में अरेंज थे हमने बात की थी, और वो दोनों फ्यूज्ड थे, इसीलिए हम यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे। नेक्स्ट एंड्रोशियम भी दो वर्ल्ड्स में सेट होते हैं, और यहाँ पर हमें ईपी टेपलस कंडीशन देखने को मिलती है, तो हम इस बार से डिनोट करते हैं ईपी टेपलस को। यहाँ पर जो गाइनोशियम होता है वो ट्राइकार्पलरी है, सिन कार्पस है तो हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे, और सुपीरियर है तो हम नीचे ये बार लगा देंगे। अब इस फ्लोरल फॉर्मूला के बेस पे हम बनाएंगे फ्लोरल डायग्राम। तो सबसे पहले ऊपर हमने मदर एक्सिस शो की है, उसके बाद इसके ऑपोजिट साइड पर हम दिखाते हैं ब्रैक्ट। तो यहाँ पर ब्रैक्ट प्रेजेंट है, तो हमने यहाँ ब्रैक्ट शो किया है। नेक्स्ट हमें दिखाने हैं टेपल्स, जो कि दो वर्ल्ड्स में अरेंज है। तो ये जो आप देख रहे हो ये बाहर वाला वर्ल्ड है, जिसमें हमने तीन टेपल्स दिखाए हैं। नेक्स्ट वर्ल्ड में अंदर वाला है, जिसमें आपको ये अगेन तीन टेपल्स दिख रहे होंगे, और ये सभी आपस में फ्यूज्ड है, तो हमने इस लाइन से शो किए हैं। अब इसके बाद बात आती है स्टेमन की। तो आप ये जो देख रहे हो ये है स्टेमन का साइन, और इसमें 6 स्टेमन होते हैं, जो कि बाहर और अंदर वाले वर्ल्ड के साथ ऑल्टरनेटिवली सेट होते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे ही शो किए गए हैं। नेक्स्ट है हमने देखा कि गाइनोशियम होता है,
ट्राइकार्पलरी सिनकार्पर, उसमें एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है। तो ये अंदर की तरफ जो आप देख रहे हो ये है इसका गायनोशियम, जिसमें कि 3 चैम्बर्स दिख रहे हैं और अंदर आपको ये जो दिख रहे हैं ये है ओव्यूल्स। तो इस तरह से आप इसका फ्लोरल डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में मैंने पहले भी बात की कि हम वो चीज़ें देखते हैं या वो मेंबर्स की बात करते हैं जो कि ह्यूमंस के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो यहाँ पर हमें वेजिटेबल मिलती हैं ऑनियन से, गार्लिक से, और अब एस्पेरेगस भी एज ए वेजिटेबल खाते हैं लोग। नेक्स्ट मेडिसिन हमें मिलती है एलोवेरा से, जो कि आप सब जानते हो घरों में भी उगाया जाता है एलोवेरा। एस्पेरेगस से भी हमें मेडिसिन मिलती हैं। पॉलीगोनेटम की हमने बात की कि एंटी कैंसरस ड्रग है, और कॉल्चिकम हमें गाउट वगैरह में ट्रीट करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है ऑर्नामेंटल, जिसमें डेकोरेशन वाले प्लांट आते हैं। तो ट्यूलिप और लिलीज लोग घरों में ग्रो करते हैं ब्यूटिफिकेशन के लिए। तो ये आप देख रहे हो ये एक लिली है, और ये वाला प्लांट आपने पहले भी डिस्कस किया, ये ऑनियन है, ये जिसे हम प्याज भी कहते हैं, और इधर हमें देखने को मिल रहा है एलोवेरा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स जो हमारे यूज़ के हैं या इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस रखते हैं ह्यूमंस के लिए। तो आई होप आपको लिलियसी फैमिली के वेजिटेटिव और फ्लोरल कैरेक्टर्स अच्छे से समझ आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।